ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे M&M का जो शेयर है वो कितना गिर सकता है, कहाँ आप बाय करें, कहाँ आप सेल करें, या तो जो हाल फिलहाल की प्राइस है वहाँ आप क्या कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बाद में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो आपको क्या है कि आगे आने वाले दिनों में उसमें ट्रेड करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो पहले जान लेते हैं ये कंपनी क्या है, इसके थोड़े फंडामेंटल जान लेते हैं, बाद में बैलेंस शीट वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह देखेंगे। तो ये पहले कंपनी M&M जो है वो ऑटोमोबाइल के रिलेटेड कंपनी है। ये जो क्या है कि ये कंपनी, इसकी हाल फिलहाल की PE 21.49 है और इसकी इंडस्ट्री PE 20.60 है। मतलब क्या है कि ये अपने इंडस्ट्री PE के आसपास ही है, तो एक अच्छा पॉइंट होता है। बाद में डेप्थ, तो इसमें आपको एक ज़्यादा डेप्थ दिखाई दे रही है, थोड़ी ज़्यादा बोलूँगा मैं, उतनी ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ी ज़्यादा डेप्थ दिखाई दे रही है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले पॉइंट में कि आपको इसमें डेप्थ दिख रही है। बाद में हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो आप देख रहे हो प्रमोटर के पास 19.84% के होल्डिंग प्रमोटर के पास रखी हुई है। बाद में FIS के पास तो एक अच्छी होल्डिंग है 34.22। बाद में म्यूचुअल फंड तो 9.58% के होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इस कंपनी में एक मेरे को दिक्कत वाला पॉइंट लग रहा है, वो है प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। तो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 3.08 है, ये इतनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक माइंड में बात याद रखने के लिए इसमें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। तो अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि फाइनेंशियल के ऊपर। तो पिछले 5 ईयर का हम देखेंगे और जो TTM उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पिछले 5 ईयर का देख रहे हैं। तो पिछले 5 ईयर को पहले मैं इधर से ड्रॉ कर देता हूँ, सो आपको भी आइडिया आए और मेरे को भी आइडिया है। तो जो पहले नेट सेल्स होना चाहिए किसी भी कंपनी में, वो आपको इंक्रीज मोड में दिखना चाहिए। तो आप पिछले 5 साल में देख रहे हो तो वो आपको इंक्रीज मोड में दिख रहा है, तो ये कोई भी कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है। बाद में इंटरेस्ट देख ले, तो इंटरेस्ट आपको किसी भी कंपनी में डिक्रीज मोड में दिखना चाहिए। तो हम इंटरेस्ट देख रहे हैं तो पिछले 5 ईयर में आपको एक क्या है कि पिछले 4 ईयर तो स्टेबल था, लेकिन इस ईयर इंक्रीज हो चुका है, तो ये हमारे फेवर में ये पॉइंट नहीं आया। बाद में हम इसमें नेट प्रॉफिट देख लेते, नेट प्रॉफिट आपको पिछले 5 ईयर या जो भी पिछले 5 ईयर आप ले रहे हो उसमें इंक्रीज होते हुए दिखने चाहिए। तो आपको इसमें पिछले 4 ईयर में इंक्रीज होता दिख रहा है, जो 2019 का ईयर था उसमें आपको डिक्रीज दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूरा ऑटो सेक्टर ही इसमें डाउन था, तो ये आप इसे इग्नोर कर सकते हो। वैसे देखें तो ये मेरे को पिछले 5 साल में इसमें नेट प्रॉफिट में एक अच्छी से उछाल देखने को मिले, तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है। बाद में EPS देख ले, तो EPS भी पिछले 5 ईयर में इंक्रीज होना चाहिए, तो वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो है कि 2000 में आपका प्रॉफिट भी नीचे गया, तो EPS नॉर्मली डाउन जाता है। तो ये थे हमारी ओर से क्या है कि नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस। तो मेरे को ये कंपनी ओके लग रही है। हाँ, इसमें एक आपको थोड़ी सी डेप्थ की दिक्कत है और नॉर्मल जो कहते हैं प्लेज प्रमोटर होंगे, उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन नॉर्मल है, लेकिन प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। बाद में अगर ये पूरा ऑटो सेक्टर डाउन तो ये भी डाउन है, तो वो नॉर्मल बात है। तो इस कंपनी में मेरे को फंडामेंटल इतने ज़्यादा खराब नहीं लग रहे, एक अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी आपको मिल रही है। तो ये थे हमारी ओर से फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते, तो आपको आइडिया आए कि कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको सेल करना है। तो अब हम आ चुके हैं M&M के चार्ट के ऊपर। तो अभी ये जो हाल फिलहाल जिस प्राइस पे ट्रेड कराए वो है 530। अगर इसमें मेरे को सपोर्ट चाहिए, अगर मेरे को सपोर्ट चाहिए नीचे की ओर, तो जो इसमें मेरा पहला सपोर्ट होगा ये लाइन होगी जो 500 के आसपास आ रही है, 500 यानी कि 500, मतलब 500 के आसपास ये लाइन आ रही है, तो ये मेरा पहला सपोर्ट होगा। अगर ये इधर से नीचे गया, चांसेस बहुत मेरे को पर्सनली कम लग रहे हैं, लेकिन अगर ये इधर से नीचे गया तो आप 500 के आसपास से अगर आपको रिवर्सल अपसाइड का मिले तब आप इधर से बाय कर सकते हो। अगर ये इसके भी नीचे चला गया, अगर ये इसको ब्रेक करके इसके नीचे चला गया, तो मेरा जो सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 420, मतलब 420। अगर ये 420 के आसपास से अगर आपको अप जाने का कोई सिग्नल देता है तब आप वहां से बाय कर सकते हैं। नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, तो आपको इसमें बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में भी और ट्रेडिंग में भी। और इसके बाद अगर मेरे को कोई दूसरा सपोर्ट चाहिए, तो जो ये हमारी क्या है कि फॉलिंग सपोर्ट लाइन है उस पर, अगर ये आपको फॉलिंग सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, ये फॉलिंग सपोर्ट लाइन है, तो आप उस पर बाय कर सकते हो आगे आने वाले टाइम में। तो जो हाल फिलहाल जिस प्राइस पे है वहां से मैं क्या करूंगा,
तो हाल फिलहाल जिस प्राइस पे है वहां से मेरे को क्या है कि अच्छी प्राइस दिख रहे है, यहाँ से मेरे को अपसाइड जाने का भी एक सिग्नल मिल रहा है, तो मैं पर्सनली इधर से आपको थोड़ा डीप करेक्शन होगा और ऊपर जाने का साइन देता है तो मैं पर्सनली इसमें बाय करूंगा। तो ये हो गया हमारे सपोर्ट। अगर मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए तो मेरा पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जो मेरा पहला रेजिस्टेंस होगा ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन होगी। अगर ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे कोई रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने का प्रॉपर साइन देता है तब मैं इसमें सेल में आ सकता हूँ। अगर इसको ये ब्रेक करके ऊपर निकल गया तब मैं इसमें बुलिश में आऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको बॉटम पे डबल बॉटम दिखता हुआ दिख रहा है, तो आप इधर में बुलिश थोड़ा मान सकते हो। अगर डबल बॉटम कंप्लीट हो गया तब की बात है ये। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो मेरा जो पहला रेजिस्टेंस, जो मेरा मेन पहला रेजिस्टेंस होगा वो 620 का होगा। अगर ये 620 के लेवल के आसपास से आपको रिवर्स आने का साइन देता है, नीचे आने का प्रॉपर साइन देता है, तब वहां से आप सेल करके एंट्री एग्जिट कर सकते हो। बाद में अगर ये उसके ऊपर निकल गया, ब्रेक करके इसके ऊपर निकल गया, तब आपको एक प्रॉपर डबल बॉटम दिखता हुआ दिखेगा वहां, तो आपको थोड़ी और ज्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जो उसके बाद मेरा रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, तो जो 700 का लेवल है वो मेरा फाइनल रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद ये अगर इसके बाद ऊपर जाता है तो हम आने वाले टाइम में वीडियो भी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इधर इसमें क्या हो सकता है, कहाँ इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कहाँ ये नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है, वो सब। इन सिंपल हाल फिलहाल जिस प्राइस पे है वहां से मेरा पहला सपोर्ट होगा 500, बाद में अगर इसके नीचे जाऊं तो 420, बाद में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा पहला मेन रेजिस्टेंस होगा 620 यानी कि 620, बाद में अगर इसके ऊपर जाता है तो 700। तो ये था हमारी ओर से M&M में आपका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी डिस्कस किए। अगर आपको वहाँ उस लेवल पे कोई ऐसी रिवर्सल पैटर्न मिलती है या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है तब आप उसमें बाय कर सकते हो, लेकिन रिस्क आपका अपना होगा क्योंकि आपको प्रॉपर देखना होगा वहाँ क्या हो रहा है वो सब। तो आप अपनी एनालिसिस भी साथ में कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज़ यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।